अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी वर्स। मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। हमेशा की तरह आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज की हमारी रेसिपी है मिक्स फ्रूट स्कॉश। तो आज हम कूल होने वाले हैं, तो रहिएगा हमारे साथ, बनाते हैं ये रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बता दूँ आपको कि 3 मिक्स मैंने लिया है, किनू, फ्रूटो और मौसम्बी। ये तीनों छः लेके मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है और अब हम इसका जूस निकालते हैं। अब हमने जूस निकालना है। निकल चुका है, हमें बंद कर देना। जूस हमने निकाल लिया और अब हमने नाप के हिसाब से ये 1.5 किलो जूस है। मैंने कढ़ाई रख दी है, फ्लेम भी ऑन कर दिया और सबसे पहले हमने ये जूस को शामिल करना है। जूस शामिल करेंगे, जूस हमने शामिल कर दिया है। इसके साथ ही मैंने 1/2 किलो चीनी ली है, 1/2 किलो चीनी शामिल करेंगे, 1/2 किलो हम चीनी शामिल कर देंगे। जूस को बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर दिया है इसलिए कि अच्छी तरीके से पक सके। खुला बर्तन होगा तो बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा। 1/2 किलो चीनी शामिल करने के बाद हम 3 गिलास पानी शामिल करेंगे। ये 3rd गिलास हमारा पानी का हो गया, 3 गिलास हम पानी शामिल कर चुके हैं। अब हम अच्छी तरीके से इसको पकने देंगे। हमारा जूस जो है काफ़ी हद तक देखे पक चुका है, ये निशान आपको नज़र आ रहा है, इतना ये पक गया है। तो अब हमने लेमन जूस शामिल करना है, 2 खाने के चम्मच, और इसके साथ ही थोड़ा सा हम रेड फूड कलर शामिल करेंगे, हल्का सा, ताकि इसमें थोड़ा सा शेड जो है वो चेंज हो जाए। येलो जो लग रहा है, थोड़ा सा मिक्स फ्रूट है तो हल्का सा इस तरह का कलर आना चाहिए, बहुत ही लाइट फूड कलर यूज़ किया है। इसके साथ ही 1 चुटकी मैं टाटवी शामिल करूँगी, ये हमारे जूस को सेव करेगा, सिर्फ 1 चुटकी, ज़्यादा नहीं। और इसके साथ ही 1/4 चाय का चम्मच हमने नमक शामिल करना है, ये हमारी शुगर को बैलेंस करेगा, यानी 1/4 चाय का चम्मच। और बस अब इसको हम पकने देंगे 5 से 7 मिनट, इसके बाद हमारा जो मिक्स फ्रूट स्कॉश है वो रेडी हो जाएगा। ठंडा करेंगे फिर हम आपको आगे बताते हैं। अभी हमने इसको पकने है 5 से 7 मिनट के बाद, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, हमारा मिक्स फ्रूट स्कॉश रेडी हो चुका है। ये देखिए, थिकनेस भी हो गई है और कलर भी इतना अच्छा हो गया है। अब हमें इसको डिश आउट करना है। स्कॉश हमारा ठंडा हो चुका है, ये देखें कैसा ज़बरदस्त बना है आपने, और थिकनेस भी हो गई है। आपने मिक्स फ्रूट के साथ ज़रूर बनाना है, अब आपको किसी भी आर्टिफिशियल जूस की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको बॉटल में ट्रांसफ़र करती हूँ, हम बॉटल में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। आपके पास कोई भी ऐसी बॉटल हो जूस वगैरह की, उसको अच्छी तरीके से गर्म पानी में बॉइलिंग करके थोड़ी देर छोड़ दें और फिर इसको ड्राई करके आप भर दें।
आपका जूस इतना ही फ्रेश रहेगा। और जो हम अपने हाथों से फ्रेश चीज़ बना के पियेंगे तो उसकी बात ही अलग होती है, वो हमारी सेहत के लिए भी मुफीद होता है। तो आपने ज़रूर बनाना है। अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत से फैमिली के पूरे लोग अच्छे रह सकते हैं, उनकी सेहत अच्छी रह सकती है, तो फिर हमें वो काम ज़रूर करना चाहिए। हमें अपनी और अपनी फैमिली की सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आर्टिफिशियल जूस से अच्छा है कि आप अपने घर में इस तरह के जूस बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। इसको हम रख देंगे, 2 से 3 महीने ये जूस ख़राब नहीं होगा। मिक्स फ्रूट स्क्वाश की रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी झटपट और इजी बनाई है। आपने भी बनाना है क्योंकि अब आपने आर्टिफिशियल जूस नहीं पीना। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें और मेरी रेसिपी को ट्राई करें। जाते जाते यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी तमाम नई वीडियोज़ आपको मिल सकें। इंशाल्लाह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।